जल्द ही सूर्य करने जा रहे तुला राशि में प्रवेश। अपनी नीच राशि में आकर सूर्य मचाएंगे धमाल। इन पांच राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, मिलेगी कामयाबी। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। सूर्य का राशि परिवर्तन इस बार नवरात्रि के बीच कई राशियों के लिए बेहद अच्छी खबर लेकर के आ रहा है और आज की मेरी ये पोस्ट सूर्य के राशि परिवर्तन और नवरात्रि के दौरान सूर्य किन किन राशियों को लाभ देंगे उस विषय पर है। मेरे YouTube चैनल और मेरे एस्ट्रोलॉजी के पेज एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे ज्योतिष में और हमारे सौर मंडल में ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्यदेव अपनी नीच तुला राशि में आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वह तुला राशि में आकर कई राशियों को जबरदस्त कामयाबी भी देने वाले हैं, नवरात्रि में देने वाले हैं, पूरा एक महीना देने वाले हैं। नवरात्रि तो 9 दिन रहेगी, लेकिन सूर्य का तुला राशि में गोचर 1 महीना चलने वाला है। नवरात्रि तो 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और सूर्य तुला राशि में 18 अक्टूबर को आ रहे हैं, यानी नवरात्रि शुरू होने के 3 दिन बाद आ रहे हैं। इस तरह नवरात्रि में कुछ राशियों के लिए सूर्य बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं, कामयाबी का पैगाम लेकर आ रहे हैं, खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं। सूर्य हर 30 दिन में एक बार अपनी राशि बदलते हैं। सूर्यदेव 12 महीनों में 12 राशियों को अपना चक्कर पूरा करते हैं और उसके बाद फिर से पहली राशि में वापस आ जाते हैं। फिलहाल सूर्य जो है वो कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और नवरात्रि के दौरान 18 अक्टूबर को देर रात 1:29 पर सूर्य कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसका सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा प्रभाव पांच राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है और सूर्य इन राशियों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहे हैं, खूब धन संपदा लेकर आ रहे हैं, खुशहाली लेकर आ रहे हैं। ऐसी कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिन्हें सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके इन नवरात्रि में कोई बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं, ये मैं आज की इस पोस्ट में आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा और पोस्ट आपको पसंद आती है तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य को ज्योतिष में ग्रहों का राजा कहा गया है क्योंकि उनकी एनर्जी से ही दुनिया चलती है। ये व्यक्ति को सफलता, पराक्रम, कॉन्फिडेंस देते हैं। सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और इसका सबसे ज्यादा असर लोगों के कैरियर पर, सेहत पर, सफलता पर, असफलता पर होता है। वैसे भी ज्योतिष में और शास्त्रों में सूर्य को आत्मा का कारक होने के साथ साथ हमारे मान सम्मान का कारक भी माना जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में होते हैं उसे समाज में पूरे यश और मान की प्राप्ति होती है। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो कभी वक्री नहीं होते, यानी उल्टी चाल नहीं चलते और ये प्रतिदिन हमें दर्शन देने वाले देवता भी कहे जाते हैं। हमारे शास्त्रों में इनकी उपासना से मिलने वाले शुभ फलों की एक लंबी सूची है। धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो सूर्य ताकत के, अधिकार के, यश के, नौकरी आदि के देवता हैं। इनकी पूजा विधि विधान से करने से उपरोक्त सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 18 अक्टूबर को सूर्य जब अपनी नीच तुला राशि में गोचर शुरू करेंगे तो उनके इस गोचर से पांच राशियों की जिंदगी में एक बहार आने वाली है और वो पांच राशियां कौन सी हैं यही बताने जा रहा हूं। इनमें पहली राशि वृषभ राशि है जिसके लिए सूर्य का गोचर बहुत शानदार रहने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए आमदनी के नए स्रोत बनेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेटर होगी, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके पराक्रम में, आपके साहस में बढ़ोतरी होगी, आपके घर मांगलिक या शुभ कार्य हो सकते हैं, परिवार के साथ आप किसी तीर्थ यात्रा पर, कोई दैवीय स्थल पर आप जा सकते हैं, आप अपने बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं, प्रमोशन की संभावना बनेगी, विदेश जाने का सपना भी पूरा हो सकता है और समाज में रुतबा भी बढ़ेगा। दूसरी भाग्यशाली राशि कर्क राशि है और सूर्य की मित्र राशि है। कर्क राशि के जातकों के लिए समय धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा, धन की आमदन बढ़ेगी, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे, लव लाइफ बेहतर होती जाएगी और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग बनेंगे, विवाह योग या संतान के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे और कोई रिश्ता आप फाइनल कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत शुभ रहने वाला है, विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना भी पूरा हो सकता है, नया वाहन और फ्लैट खरीदने के योग भी बनेंगे। तीसरी भाग्यशाली राशि वृश्चिक राशि है जो सूर्य का तुला राशि में गोचर है। वो वृश्चिक राशि वालों के प्रोफेशन में तरक्की लेकर आएगा, प्रमोशन या वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे लोगों की इच्छा पूरी हो सकती है।
सरकारी लेन देनी या कारोबार में लगे लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। पिछले साल की जो मेहनत है आपकी, उसके ठोस और सही नतीजे सामने आएंगे। आपका जो परिचय है समाज के प्रभावशाली लोगों से होगा, जिससे जो आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे वो भविष्य में आपको लाभ पहुंचाएंगे। कामकाज की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत शानदार रहेगा और आपके सीनियर, आपके जो कोलीग हैं, वो आपके काम की सराहना करेंगे। चौथी भाग्यशाली राशि मकर राशि है। मकर राशि वाले अपने परिवार या छोटे भाई बहनों के साथ कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये गोचर काफी फायदा लेकर आएगा। सूर्य की दृष्टि आपके बचत में वृद्धि के संकेत दे रही है, यानी आप सेविंग भी कर पाएंगे, इनकम में भी बढ़ोतरी होगी और मकर राशि वाले जो भी काम शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। इंक्रीमेंट के साथ प्रमोशन का योग बनेगा, बिजनेस में तरक्की होगी और आप अपने कारोबार को विस्तार दे सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सूर्य का गोचर बहुत शानदार रहेगा और लव लाइफ भी आपकी बेहतर होगी। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आप रविवार के दिन मंदिर में जाकर के अनार का दान जो है वो जरूर करें। और उससे अगली भाग्यशाली राशि धनु राशि है। सूर्य का जो गोचर है धनु राशि वालों के लिए खुशियों की पोटली लेकर आ रहा है। धनु राशि वालों को बीमारी से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं पर विजय मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिलेगी। जो लोग सेना में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए प्रमोशन के योग बनेंगे। आप अपनी मेहनत से तरक्की करेंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और लंबे समय से जो आपके काम रुके पड़े हैं वो अब बनते चले जाएंगे। और उसके बाद जो है अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं, तो मीन राशि वालों के लिए भी ये जो सूर्य का गोचर है ये बहुत ही शानदार रहने वाला है। मीन राशि वालों को कैरियर में तरक्की मिलेगी, अटके हुए काम जो है वो बनने लगेंगे और घर में विवाह योग्य संतान के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे एस्ट्रोलॉजी के पेज और यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार।